विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत मखदूम अशरफ सनमानी की कछौशा शरीफ स्थित दरगाह पर देश के साथ साथ विदेशों से भी लोग जियारत करने आते हैं। मखदूम साहब की इस दरगाह को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दरगाह पर अकीदतमंद जो भी मन्नतें मांगते हैं पूरी होती है। मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार लोग यहाँ रोज सैकड़ों की संख्या में आते हैं और ठीक होते हैं। मानसिक रोगी तो दरगाह पर दुआओं से ठीक हो जाते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से परेशान व्यक्ति दरगाह के बगल स्थित नीर शरीफ के जल से स्नान कर लेने मात्र से ठीक हो जाता है। आप यह नजारा कछौशा शरीफ दरगाह के अंदर के इस तालाब का और आसपास के नक्काशी का देख रहे हैं, जहां सिर्फ जारीनों की मुरादें ही मात्र पूरी नहीं होती हैं, बल्कि इस दरगाह के बनावट और नक्काशी को देखने के लिए विदेशों से पर्यटक तथा सैलानी भी आते हैं। ऐसा माना जाता है कि 6वीं सदी में ईरान के सिनमान प्रांत के बादशाह हजरत मखदूम अशरफ सिनमानी अपनी बादशाहत छोड़कर लोगों की भलाई के लिए निकल पड़े थे और कई देशों में घूमते घूमते कछौशा शरीफ को अपना आखिरी ठिकाना बनाया। इस जगह पर उन्होंने एक बड़ा सरोवर खुदवाया। बताया जाता है कि इस सरोवर की खुदाई के समय कुरान की आयतें पढ़ी जाती रही हैं और इसके निर्माण कार्य के पूर्ण होने के बाद जब इसका प्रयोग लोगों ने शुरू किया तो हैरान कर देने वाला नतीजा सामने आया। जिन लोगों को कोई भी शारीरिक बीमारी थी, इस सरोवर में नहाने से सब ठीक हो गई। यहाँ तक कि चरम रोग के भी रोगी ठीक होने लगे। देखते ही देखते इस सरोवर की प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ आने लगे। नीर शरीफ की देखरेख यहाँ की इंतजामिया कमेटी करती है, जो इसके पानी की शुद्धता बनाए रखने के लिए समय समय पर सफाई कराती है। नीर सरोवर में लाखों मछलियां पाली गई हैं, जिन्हें कोई मार नहीं सकता है। लोगों का विश्वास है कि इन मछलियों को दाना खिलाने से शबाब मिलता है। मखदूम साहब की कृपा सभी जात और सभी धर्म के लोगों पर है। मजार के गेट व आसपास की नक्काशी व मीनारे इस दरगाह में चार चांद लगा देते हैं और जायरीनों को अपने ओर खींच लेते हैं। सैटेलाइट न्यूज के लिए दरगाह की कछौशा से गुलाम गौस की रिपोर्ट।